यू गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सब लोगों के। भाई मंडे मॉर्निंग और ऐसा तगड़ा जाम कि कोई हिसाब नहीं है भाई साहब। कम से कम भी 15 मिनट से जाम में फंसा हूँ। आप सोच सकते हो लिटरली मेरा ऑफिस 8 से 9 किलोमीटर है, मैक्सिमम 9 किलोमीटर, इससे ज़्यादा है ही नहीं। और 9 किलोमीटर के लिए इस जाम में फंसते फंसते आधा घंटा तो मुझे भी हो गया है। और खाली हो ना रास्ता तो हार्डली 11-12 मिनट लगते हैं, आधा घंटा जाम में लग गया। मैं घर से निकला, पूरा रास्ता खाली था। मैंने कहा यार मजे से जाऊंगा, धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, अननेसेसरीली क्यों भगाऊं। बट अब जाम इतना हो गया, अब जैसी रास्ता खाली मिलेगा भगानी पड़ेगी गाड़ी ताकि अपना टाइम कवर हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम कवर करने के लिए ये सब हरकतें करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। और भाई सच में भाई मैं थक गया यार, बहुत थक गया। वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं लंच वगैरह करके फ्री हो गए हैं। मुझे काम बहुत सारे हैं, मैं पहले लिस्टिंग करूँगी क्योंकि मैं शादी के लिए पैकिंग कर रही हूँ इस बार, तो उस हिसाब से मुझे पैकिंग करनी है, मुझे कुछ भूलना नहीं है। तो मैं लिस्ट बनाऊँगी अपनी सिवाना और हनी की, एंड देन उस अकॉर्डिंग पैक करूँगी। और पता नहीं अभी कितने बैग्स लगेंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि ना पैकिंग इस हिसाब से करनी है कि चीज़ें ख़राब भी ना हो। सिवाना को दूध पीना था इसलिए मैंने पॉज लिया, अब वो दूध पी रही है। टेंशन है, उसको ऊपर बार बार चढ़ाने की नहीं है, मजे से नीचे से दूध पिएगी। और ना ये दोनों साइड से मैट बिछ सकता है, इजीली क्लीन कर सकता है। अब इसको स्पंज करके इस पर कुछ लिख भी लो तो वो भी साफ हो जाएगा, तो मतलब गंदा होगा तो आप इसको स्पंज कर सकते हो। ऐसा ही हो, मतलब हम धो नहीं सकते, फोम है इसमें। गाइस मैं आज सिवाना को नहला नहीं रही, हमने उसको स्पंज कर दिया और उसको कपड़े पहनाने के लिए बुला रही हूँ। देखो आ नहीं रही है। तो गाइस मैं ना घर आ गया हूँ और सिवाना हमारे रूम में नहीं है, मम्मी के रूम में है। और उसको ना अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं आ गया हूँ। जरा ट्राई करते हैं, मैं जरा रैंडमली कुछ बोलूंगा, देखता हूँ वो मेरे को पहचानती है क्या मेरी आवाज की, नहीं आती है कि नहीं। बाय 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 क्या भाग रहे। तो गाइस जैसे मेरे साथ साथ हर जगह छत पे नीचे दूसरे कमरे में सामान लेने ऑस्टिन जाता था, अभी भी जाता है ऑस्टिन भी, सिवाना भी मेरे साथ अब जाने लग गई है। अभी जैसे ही मैं चप्पल पहनता हूँ इसको होता है कि डैडा मुझे कहीं लेके चले, तो मैं छत पे आया हूँ, मैं बच्चे को लेके आ गया हूँ। हाँ मेला बच्चू, बस इसने ये रेड़ा चलाना अपना, पता नहीं क्या मजा आता है इसको ये खींचने धक्का देने में। करती है बस। सो गाइस मैंने अभी तक अपने बाल वॉश नहीं करे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपनी स्मूदनिंग करवाई है, मैंने ना एक तो हल्दी वाला हाथ मुंह पे लग गया। सो गाइस मैंने जो अपनी रिमॉडलिंग कराई है वो हमने ज़्यादा देर नहीं रखी है, क्योंकि मेरे बाल बहुत सिल्की हैं और फिर ना वो बहुत फेस फ्लैट कर देते हैं, जैसे कि मुझे समझाया हुआ था कि अगर बहुत स्ट्रेट बहुत देर रखेंगे तो बहुत डैमेज होगा बालों को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे एज़ पर माई फेस। तो बहुत ही और अभी तो डेंट भी आ गया क्योंकि मैंने बाल वगैरह भी लिए, बट जब मैं धोंगी इनको कल तो ये फिर से दोबारा वैसे हो जाएंगे जैसे मैं निकली थी वैसे, और थोड़ा कलर भी निकल जाएगा। और मुझे ना अच्छे से बाल धोने, क्योंकि मेरे स्कैल्प पे भी कलर लग गया है, तो मैंने कहा अच्छे से वॉश कर लूँगा। तो आई एम जस्ट लविंग इट। देखो भालू क्या खा रहा है। क्या खा रहे हो? एप्पा। चिवानू एप्पा खा रहे हो? तो कैसे खा व्हाट इज दिस? ये क्या है? वन ले लो वन। गाइस यार बच्चे देखो वन ले लो वन, कितने भोले होते हैं। वन उसको पता ही नहीं वन क्या है, पूरा लेना है उसने। एक ले लो। थैंक यू बोलो। खाने में ध्यान है, पूरा ही उठा के खा दी। वो देखो और आगे लेने और वो हटा। ये देखो ये सिवाना का है या ऑस्टिन का मैट है? दोनों का। ये दोनों बच्चों के लिए मैट मंगा दिया। सॉक्स का है इसकी। ये ले आगे कहीं खेलते खूलते मैं बैठने का। ये क्या तरीका है सिवाना यार, एक्चुअली इसको ना गुब्बारे दिख गए हैं पीछे इसलिए ऐसे मुड़ रही है बिल्कुल। गाइस हमारा कंडक्टर आ गया, ये देख लो जरा कहाँ लटका हुआ है, गेट पे लटकता रहता। जब हमने कहा है हैं
हाँ हम लोग गए थे मम्मी पापा को लेके नोएडा वाली मार्केट में। पहले हम सोच रहे थे आसपास कुछ खा ले, लेकिन टाइम पास करना था तो हम वहाँ ही चले गए। तो आराम से खा पी के डिनर विनर करके आए हैं, और आते फिर हमने नीचे ऑस्टिन को बुला लिया ताकि ऑस्टिन एक आधा राउंड लगा ले। इसका मन कर रहा था जब हम जा रहे थे, बट इसको ले जा नहीं सकते थे, तो गुम्मी करने आया ऑस्टी। और शिवानु और मम्मा पीछे बैठे हैं। वाह बेटा वाह वाह, कहाँ डाल रहे शूज? हाल देखो कमरे का, सब जूता होता निकले, अभी इसका भी सामान डालूंगी। वाह बेटा वाह, ऐसे जाएगा क्या कोई सामान पे? तो आप खुद बैठ गए। कपड़े दिख रहे हैं ब्लॉग में? कहाँ दिख रहे, कहाँ दिख रहे थे तेरे कपड़े? दिमाग ही नहीं दिया हुआ। ओह मेरे बाल दिख रहे हैं, सॉरी गाइस। सो गाइस मेरा मन हो गया शिवानो को देने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए दे दिया, 10 मिनट के लिए, फिर मैं ले लूँगी। अब मैं पैकिंग कर रही, तो मैं अपने बैग में ये डालने वाली हूँ। तो मैंने निकाला तो मैंने सोचा बेचारी को दिखा देती हूँ, उसको वंचित रखो मैंने इससे। और देख लीजिए हमारा सामान अभी के लिए यही है, और छोटा मोटा बस आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा मैं कल करूँगी अपने नेल्स, और अभी कन्फर्म नहीं है कि मेरे साथ कोई चल रहा है कि नहीं, वो आपको कल ही पता लगेगा। कहाँ जाना है ये तो नहीं बताया ना? नहीं कहाँ जाना है ये भी नहीं बताया, तो देखते रहिए। बात मेरी हनी की तो सेकेंड है, पिछले साल इसने इसी टाइम के आसपास एक शादी ब्लॉक करी थी, मेरी पहली डेस्टिनेशन वाली। मैं तो ले चुका हूँ एक बार मजे, उस टाइम सिवाना 2 महीने की थी। हाय बाय बाय कदू, बाय बाय। देखो बटन पे ध्यान है। पैकिंग वैकिंग तो कर लिया आज, बहुत ज़्यादा थक गए हम क्योंकि नोएडा भी गए थे, और मैंने अभी झाड़ू भी मारा है, सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। ओके गाइस सी यू टुमारो, कल देखना क्या बचा हुआ काम करते हैं हम, और मिलेंगे कल। बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।